पास हो जाता है पानी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करूँगा बयांसी फोर्स कैसे ये हमारे पास फोर्स एग्जर्ट होती है लिक्विड की वजह से इस बॉडी में जम बनाने जा रहा है। तकरीबन 20 फीट की हाइट से ये स्लैम मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्की है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर विद आवर स्टूडेंट्स जुहेर, तस्कीन, कामरान, महरान, अदनान। दीज आर आवर स्टूडेंट्स और आज हम जा रहे हैं एक पिकनिक स्पॉट पर जिस पिकनिक स्पॉट का नाम है रई। उस रई में हम जा रहे हैं आज और आज हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे हम अपने बच्चों को। ये हम जा रहे हैं रई की तरफ जा रहे हैं। रोड बड़ी खूबसूरत रोड है, सिंगल ट्रैक है लेकिन रोड अच्छी है, मैग्नेटाइज्ड है रोड है, बड़ी खूबसूरत रोड है। रई की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो आप तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर अभी दूर है रई स्पॉट, वहाँ की तरफ जा रहे हैं हम अपने बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर हम जा रहे हैं और इनको वहाँ पर आप देख सकते हो, आप साइड्स भी देख सकते हो आप। ये जस्ट लाइक अ वैली, एक वैली की तरह है जिसमें आप देखोगे आप दो तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और इन दो पहाड़ियों के बीच में एक नदी बह रही है। इस नदी को भी आप देख सकते हो आप, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो नदी को दिखाएं। एक छोटी सी नदी है, वहाँ पर बच्चे बड़े सेफ़ तरीके से नहा सकते हैं, सेफ़ पानी है, उतना ज़्यादा पानी नहीं है जो डेंजरस बन सकता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर इजीली नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग संडे को यहाँ पर आते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं। हेलो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला कि आज हमने कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने साथ लाया है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए देने के लिए, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको पहले ही बोला आपको कि आज हम कुछ बच्चों को दिखाएंगे कैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो उसके बाद हम दिखाएंगे, वो डिवाइस दिखाएंगे हम, उससे पहले कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कुछ जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, पानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप पानी में कैसे हमारे पास जो बच्चे जो हैं आज जो हैं खेल रहे हैं पानी में। बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, ये जो जगह है जो है ये यहाँ पर आप जो स्पॉट है रई स्पॉट है ये, और यहाँ पर अब जब देखोगे आप ये रई स्पॉट जब देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये रई स्पॉट जो है दो पहाड़ियों के बीच में है। बहुत सारे लोग संडे के दिन यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, संडे का दिन यहीं पर मनाते हैं क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसीलिए आज भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं। बच्चों के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ कुछ नॉलेज भी गेन करेंगे, नॉलेज भी शेयर करेंगे और उनके साथ बच्चों के साथ एंजॉय भी करेंगे आज हम। तो जो स्टूडेंट जो हैं वो अपने ही आसपास के स्टूडेंट हैं, उनको अपने साथ लाया है और उनको कुछ यहाँ पर नॉलेज भी देंगे, कुछ ना कुछ हम देंगे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास पानी बह रहा है। अगर साइंस के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो पानी का मोशन जो है ये मोशंस कौन सा है, कौन सी एनर्जी इसके साथ एसोसिएट होती है, उसका भी नॉलेज देंगे हम। अगर पानी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो आप यहाँ पर जो पानी जो है वो जमा पानी, समझो कि पानी को एक साइड से बंद करके रखा है और यहाँ पर एक तालाब जैसा बना है, और जब ये हमारे पास पानी तालाब की शेप लेता है
तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है। जब भी पानी जो होता है हमारे पास जो होता है ये एक तालाब की शेप लेता है, पानी को हम एक डैम की शेप देते हैं तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी उसमें एक्सटेड होती है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। हम फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ये देखिए बायोन्सी फोर्स, बच्चे को कैसे थोड़ा सा पुश करते हैं और बच्चा उछल जाता है, वेट लॉस हो जाता है पानी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करूँगा बायोन्सी फोर्स कैसे ये हमारे पास फोर्स एग्जर्ट होती है लिक्विड की वजह से। इस बॉडी पर जो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चा है इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है और ये अपना बच्चा जो है अपना वेट जो है वो लॉस करता है। किसकी वजह से अपना वेट लॉस करता है, तो ये हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि जो लॉस ऑफ वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होता है। जितना पानी इस बॉडी की वजह से जितना जो बॉडी पानी के अंदर जाती है उसकी वजह से जो पानी बाहर निकलता है, जितना पानी बाहर निकलता है उतना ही एक बॉडी का वेट जो है वो लॉस होता है। तो ये भी हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पर है बायोन्सी फोर्स का। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, मैंने कहा इनको कि ऐसा आप थोड़ा सा बायोन्सी फोर्स की वजह से इंजॉयमेंट करें आप। तो यहाँ पर ये बायोन्सी फोर्स लगा रहे हैं, अपवर्ड थ्रस्ट जिसको कहा जाता है, लिक्विड में अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है। तो जब भी हमारे पास एक पानी में एक बॉडी होती है तो बॉडी को देखते हो आप, वहाँ पर बहुत कम फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वाटर की सरफेस पर आता है। तो ये भी एक हमारे पास कंसेप्ट है वाटर में, जो कंसेप्ट कौन सा है, बायोन्सी फोर्स का कंसेप्ट है। आप बने रहें, आगे हम और आपको कुछ कंसेप्ट देंगे। ओके, गुड बाय। देख सकते हैं आप बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, बच्चा जो है जम मारने जा रहा है। देखिए तकरीबन 20 फीट की हाइट से ये छलांग मार रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्की है। नाउ वी रिटर्न बैक फ्रॉम रई। अब हम रई से वापस आ रहे हैं घर की तरफ। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट, इनसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। कैसा एंजॉय किया आप लोगों ने? जहीर जी, आपने कैसा एंजॉय किया आज? मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा जी, आपने क्या सीखा यहाँ पर? आप पानी में स्विम कर रहे थे, वहाँ पर क्या सीखा आपने? कि जब एक बॉडी वाटर में होती है तो लॉस होता है, वेट में लॉस होता है। वेट में लॉस होता है। कामरान साहब पीछे हमें हमारे कामरान साहब बैठे हुए हैं। कामरान साहब आप बोलें, जब एक बॉडी वाटर में होती है तो वो कितना अपना वेट लॉस करती है? जितना वो वाटर डिस्प्लेस करती है उतना ही उसका बॉडी का वेट भी लॉस होता है। अच्छा जी, और दूसरा क्वेश्चंस आतिफ साहब के लिए। आतिफ हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं, इनके लिए दूसरा क्वेश्चन है। आप बोलिए लिक्विड में कौन सी अपवर्ड फोर्स होती है? अपवर्ड फोर्स लगती है एक बॉडी पर, जब बॉडी एक लिक्विड में होती है तो वहाँ पर अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पर, उस अपवर्ड फोर्स को क्या कहा जाता है? अपवर्ड थ्रस्ट। अच्छा जी, इसका दूसरा नाम भी है, सेकंड नेम। ये तस्कीन साहब इसका दूसरा नाम बोलेंगे। तस्कीन साहब जोर से बोलें, कौन सी फोर्स होती है? बायोन्सी फोर्स, दूसरी फोर्स। बायोट फोर्स और बायोन्सी फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन एवर एनी बॉडी इट इज़ इन लिक्विड। तो देखिए ये आज आप बच्चों ने कंसेप्ट समझा भी और देखा भी, जब आप स्विम कर रहे थे पानी में वहाँ पर आपने देखा एक बॉडी का वेट भी लॉस होता है, समझे आप? ऐसा लगता है कि हमने कुछ वेट लॉस किया हम, और वहाँ पर मैंने आपको बोला, हमने यहाँ पर समझा कि एक बॉडी का वेट लॉस हो जाता है लिक्विड में। कितना लॉस होता है हमारे पास लिक्विड में वेट? दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना पानी बाहर निकलता है जब एक बॉडी को लिक्विड में डाला जाता है तो उस बॉडी की वजह से जितना पानी बाहर निकलेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना ही बॉडी का वेट जो है वो लॉस होता है, वेट लॉस होता है।
और दूसरा हमारे पास लिक्विड में जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, जिस उसको क्या कहा जाता है, अपवर्ड थ्रस्ट कहा जाता है या बायोंट फोर्स कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट आज आप बच्चों ने देखा, प्रैक्टिकली देखा कि हम एक बच्चा जो है था, उसको आप थोड़ी सी फोर्स देते थे लिक्विड में तो वो उछल जाता था, अपवर्ड के लिए उसको एक थ्रस्ट मिलता था ऊपर के लिए उसको। तो इस ये कंसेप्ट हमने आज देखा और ऑब्जर्व भी किया, समझा भी हमने। तो ये आज का हमने थोड़ा सा इंजॉय भी किया और इंजॉयमेंट के साथ साथ हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि बायोंट फोर्स को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद लॉस ऑफ वेट को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो पानी जो हमारे पास एक स्टोर होता है, तो स्टोर अगर हमारे पास जैसे हमारे पास पॉन्ड की शेप में होता है, समझे आप, तो जो स्टोर वाटर होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी जो होती है स्टोर्ड होती है, मैंने कहा था उसमें हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो आप बच्चों ने आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आप बच्चों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, समझ में आया होगा आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट संडे को हम फिर से आएंगे एक नए ट्रिप के साथ, नई जगह जाएंगे और नया कंसेप्ट समझेंगे हम। ओके, गुड बाय, थैंक यू।